जी पूर्व राष्ट्रपति के घर के रिलेटिव हैं और राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के वे प्रदेश सचिव हैं। यह लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आज किया है। इससे पहले आपने देखा था सुभाष मेहरिया जी के साथ कई लोग ज्वाइन किए। सभी के मन में है कि राजस्थान में कुशासन का चक्कर चल रहा है और राजस्थान में विकास युक्त डेवलपमेंट की सरकार आनी चाहिए, केवल और भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। इसलिए इन सबको ज्वाइन करने से, ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको ज्वाइन करने से अवश्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और अगली सरकार तो हमारी आने वाली है, इसको तोड़ेगी। देखिए, यह प्रदेश के महासचिव थे, कांग्रेस के महासचिव, बसपा के महासचिव और इतने बड़े परिवार से आते हैं, जनता में काफ़ी इनका प्रभाव भी है। आज सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं बिना शर्त के ज्वाइन कर रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे। फ्री योजना इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि 4.5 साल में कुछ किया नहीं है, जंगल राज व्याप्त है। तो गहलोत जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए अंतिम 6 वर्ष में फ्री की घोषणा कर रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट होती है अभी देखना पड़ेगा। अगर गहलोत जी इतने सच्चे हो तो जो किसानों के साथ 35,000 हर किसान का 35,000 रुपये बिजली का आपने दाम अधिक ले लिया है, क्योंकि जब वसुंधरा जी की सरकार थी 10,000 रुपये बिजली पे छूट होती थी, तो वो 35,000 रुपये हर किसान को वापस दो, किसान को कर्जा माफ़ करो, बेरोजगारी भत्ता 3,500 दो। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।